politics over this blast has really escalated. First, it was the sacrilege, the lynchings, the murders, and now Charanjit Singh Channi government is in the line of opposition fire. While investigators are looking for clues to probe this terror strike, political blame game has started. Kamaljeet Kaur Sandhu and our Punjab Bureau getting us this collective comprehensive report for you to understand how Punjab politics is flaring up just ahead of elections. Punjab's poll season just got bloodier with a blast at Ludhiana's district and Sessions Court complex. के एक पॉलिटिकल एजेंडे के लिए लोगों में डर फैलाया जा रहा है। तो कहना चाहना है कि सरकार बिल्कुल फेल है। जिन्ने देर रहूगी, उन्ने दिन पंजाब का नुकसान होगा। The motive of the blast is still under investigation, but an all-out political war has escalated. Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi leveled the conspiracy charge, claiming drug smugglers may be behind the blast and it could be an attempt to divert attention from the sacrilege cases. जो नशे का माफिया है, इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई है. हो सकता है कि ये जो धमाका हुआ है, क्योंकि कोर्ट में हुआ है, इधर मोहाली कोर्ट में केस लगा हुआ है और लुधियाना कोर्ट में बम धमाका हो रहा है. मैंने कहा हो सकता है इसका लिंक हो, इसकी तहकीकात की जा रही है. दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल eyeing political ambitions in Punjab hit out at the Channi government and said that Punjab needs a more stable and honest government. Channi सरकार बहुत कमजोर सरकार है और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं. इनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय नहीं है, तो कैसे पंजाब को आज एक स्थिर, ईमानदार और सशक्त, मजबूत सरकार चाहिए जो कि ऐसे साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके. पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू अलेज्ड दैट द ब्लास्ट वाज एन अटेम्प्ट टू इंस्टिल फियर एंड पोलराइज वोटर्स. मुझे बहुत दुख है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पॉलिटिकल एजेंडे के लिए लोगों में डर फैलाया जा रहा है. बेकसूर लोगों की जानें ली जा रही हैं वोट्स की पोलराइजेशन के लिए. द पंजाब गवर्नमेंट वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ क्लेमिंग एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन द स्टेट. अपनी जी स्टेट है, ये बॉर्डर स्टेट है, ये भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि जो जड़िया कोई बाहरलिया फोर्सिज ने उन्होंने भी ये कारा हो सकता, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि पंजाब जरा स्टेबल रहे. और ये पंजाब स्टेबल होंगे तो पूरा हिंदुस्तान स्टेबल है. इस अनस्टेबल करने की कोशिशें की जाएगी. दिस गेव एम्यूनेशन टू द बीजेपी विच पॉइंटेड आउट टू नवजोत सिंह सिद्धूज टाइज विद पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान. नवजोत सिंह सिद्धू का ये बयान कि लुधियाना में जो बम ब्लास्ट हुआ है वो एक समुदाय को डराने के लिए हुआ है और चुनाव के मद्देनजर हुआ है, ये बड़ा ही गैर जुमेराना बयान है. नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान को बचाने के लिए, इमरान खान को बचाने के लिए, जिनको उन्हीं के मुख्यमंत्री ने, उन्हीं के गृह मंत्री ने कहा कि इसमें पाकिस्तान की साजिश हो सकती है, शायद ये ऐसा इसलिए वो कर रहे हैं. With elections just a couple of months away, the Ludhiana court blast gave the opposition, led by Captain Amrinder Singh, a stick to beat the Channi government with. Inquiry no influence karan waste pehle hi mukhyamantri keh reha hai ki aa falah party kara rahi hai, aa akali dal kara reha, ohna de aa karaya, oh karaya. ते मैं कह दिया जे मुख्यमंत्री आप इस तरह इन्वेस्टिगेशन डिरेल करूंगा, आप ही इनक्वायरी अफसर बन जूगा, आप ही जज बन जूगा, आप ही जजमेंट प्रोनाउंस कर दूंगा, फिर ये पूरे कामजाम की लोड़ ही की है जे चन्नी साहब ये सारा कुछ खुद ही कर सकते हैं. ये तो माड़ी गल की है कि इत्थे कानून की व्यवस्था नहीं, पुलिस जिहड़ा काम पुलिस दा उस काम तो हटा के सियासी वंडेटा तरफ लगे है. तो मैं डीजीपी नूं कहना चाहना है कि डीजीपी दा काम आ नहीं है कि जो सियासी वेंडेटा करे, उन्होंने काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जिहड़ा काम आ नहीं कर रहे. मैं स्ट्रांगली कंडेम करदा ते कहना चाहना है कि सरकार बिल्कुल फेल है. जिन्ने देर रहूगी उन्ने देर पंजाब उन्ने दिन पंजाब का नुकसान होगा. ये सारी एक
कंस्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत पंजाब के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है। चन्नी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, कानून व्यवस्था बनाए रखने के मामले में पूरी तरीके से फेल हो गई है। कमिंग ऑन द बैक ऑफ टेंशन ओवर अलेज्ड सैक्रिलेज इंसिडेंट्स, द ब्लास्ट एट द लुधियाना कोर्ट फ्यूल्ड फियर्स ऑफ मोर वायलेंस इन द स्टेट। द पॉलिटिकल ब्लेम गेम हैज ओनली एडेड फ्यूल टू फायर। विद ललित शर्मा इन लुधियाना, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे।